जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कमी ना हो, जोरदार तालियां। हम क्या कहूँ मैं, पहाड़ी में बुलाओ कि गढ़वाली में बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह मॉल में एक पहाड़ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्लानेट टूरिज्म हमारे पहाड़ के लिए है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अनिल बलूनी जी के माध्यम से आप सबके लिए कहा था कि हम लोग हर त्यौहार को अपने देश विदेश में मनाते हैं, बाहर मनाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस बार हमारे बगवाल के बाद जो इगास आता है कुमाऊनी में बुलाने की बुढ़ दिवाली गढ़वी मगुल दने की इगास है ना, गढ़वी मगुल दने इगास और हमारे पहाड़ी में कुनी की भुड़ दिवार, भुड़ दिवार, तो कौन कौन जाएगा इस बार अपने पहाड़, ये बात हम सब ने जाना है अपने पहाड़ में और इगास मनाना है क्योंकि दिवाली होली सब हम लोग मनाते हैं लेकिन इगास और भुड़ दिवाली एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पहाड़ी मनाते हैं, उत्तराखंड में ही मनाया जाता है और कहीं नहीं मनाया जाता है। एकादशी के रूप में लोग मनाते हैं लेकिन हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में इगास के माध्यम से मनाया जाता है और हमारे पहाड़ में मनाते हैं गुड़ दिवाली। तो सभी ने जाना है इस साल अपने पहाड़ में, अपने उत्तराखंड में, और एक अपने पितरों के नाम से दिया उस धरती पे जगाना है और इगास को बहुत सुंदर। मैं धन्यवाद देती हूँ रमन सली को, उन्होंने मुझे मंच में आने का मौका दिया। Bye.